दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, welcome back to channel. This is the YouTube boy with you. Big Bash League 2021-22 का 15वां मुकाबला पर्थ स्कॉचर्स और होवर्ड हरिकेन्स के बीच में खेला जाने वाला है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस मैच की बात, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बिग बैश में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, 2,00,000 रुपए कमाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में रियल 11 का लिंक दिया गया है और सामने जो आपको कोड दिख रहा है INETV, इस कोड का इस्तेमाल करते हुए इस ऐप में साइन अप करना है। आपको 100% का बोनस आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर मिलेगा, 20% का एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना और पहली बार चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बेलरिव ओवल में ये मुकाबला खेला जाने वाला है, लेकिन ये इस मैच में जो है होम टीम पर्थ स्कॉचर्स की टीम रहने वाली है। पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो 48 मुकाबले अब तक हो चुके हैं, 170-180 के आसपास का एवरेज स्कोर है। खूब सारे रन हमें देखने को मिलते हैं इस ग्राउंड पर, जैसे कि आखिरी मुकाबले में भी हमें देखने को मिला था। 27 बार बैटिंग फर्स्ट और 21 बार बैटिंग सेकेंड जीती है। यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम का थोड़ा सा दबदबा ज़्यादा रहता है। स्कोरिंग पैटर्न पर हम नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि 150 से 190 के बीच जो है बहुत सारे स्कोर्स बने हैं। 150 से 170 के बीच 18, 170 से 190 15 बार बन चुका है और 190 प्लस जो है यहाँ पर 7 बार बन चुका है। मात्र 8 बार 150 से नीचे का स्कोर बना है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की विकेट, यहाँ की सरफेस बल्लेबाजों को कितना फेवर करती है, खास करके पहली पारी में। इस बिग बैश का भी एक मुकाबला खेला जा चुका है, 15 विकेट गिरे थे, 10 विकेट पेसर्स को और 5 विकेट स्पिनर्स को मिले थे और पहले बैटिंग करने वाली टीम ने ही मुकाबला जीता था। हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो 16 मुकाबले हो चुके हैं। पर्थ स्कॉचर्स की टीम जो है 10 मुकाबले जीती है और होवर्ड हरिकेन्स की टीम सिर्फ 6 मुकाबले जीती है। यहाँ पर पर्थ की टीम थोड़ी सी हावी होती हुई दिख रही है। लास्ट 5 हेड टू हेड मुकाबलों में 3 पर्थ जीती है और सिर्फ 2 मुकाबले जो है होवर्ड की टीम जीती है। पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है पर्थ स्कॉचर्स की टीम, बैक टू बैक 3 मुकाबले ये जीत चुके हैं। वहीं होवर्ड हरिकेन्स की टीम 3 में सिर्फ 1 जीते हैं, 2 हारे हैं। प्लेइंग 11 की बात की जाए तो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ पर्थ स्कॉचर्स की टीम उतर सकती है। इनकी बल्लेबाजी पर हम नज़र डालें तो इनकी बल्लेबाजी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है। मुनरो अच्छे फॉर्म में है, सेंचुरी लगा चुके हैं। साथ ही साथ पैटरसन अच्छे फॉर्म में, एक हाफ सेंचुरी आ चुका है। आखिरी मुकाबले में 100 रनों की पारी खेला था मार्स ने, उससे पहले भी 73-53 की पारियाँ खेल चुके हैं। पिछले 5 मैचों में गजब का फॉर्म दिखाया मार्स ने। इंग्लिश का फॉर्म एक बड़ा कंसर्न है, लेकिन 4 मैच पहले इन्होंने भी 72 रनों की पारी खेली थी। टर्नर की बात की जाए तो टर्नर एक अच्छी शुरुआत दे रहे हैं, लेकिन बड़ी पारी में अपनी पारी को तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे टच में हैं। इनके 5 बल्लेबाज बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। गेंदबाजी की बात की जाए तो गेंदबाज इनके बल्लेबाजों से भी ज़्यादा अच्छे फॉर्म में है। एस्टन अगर लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, मिल्स लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 विकेट आखिरी मुकाबले में लिए थे, उससे पहले 2 विकेट लिए थे। बैंड्रॉफ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आखिरी मुकाबले में 1 विकेट मिला था, उससे पहले 3 विकेट मिला था। टाई की बात करें तो पिछले 2 मैचों में 5, वहीं पिछले 3 मैचों में 7 विकेट ले चुके हैं। मतलब इनके पूरे गेंदबाज अच्छे फॉर्म में है। बात की जाए यहाँ पर अगर होवर्ड हरिकेन्स की, तो इनकी भी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 आपको आपके स्क्रीन पर शो हो रही है। इनकी टीम में भी कुछ खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। प्रीवियस प्लेइंग 11 के साथ ये टीम उतर सकती है। बात की जाए अगर इनके फॉर्म की, तो इनका फॉर्म थोड़ा सा जो है ख़राब यहाँ पर नज़र आ रहा है। हालांकि डार्ची शॉट और मैथ्यू वेट की तरफ से धमाकेदार पारियाँ हमें दो मैच पहले देखने को मिली थी। 73 रन शॉट ने बनाया था और 93 रन की विध्वंसक पारी मैथ्यू वेट ने खेला था, लेकिन उसके अलावा जो है और कोई बल्लेबाज इस बिग बैश में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया है। लेकिन बिग बैश के अलावा डोमेस्टिक मैचों की बात की जाए तो मैकडोरमंड 133 रनों की विध्वंसक पारी खेलकर आ रहे हैं। ज्वेल जो है 102 रनों की पारी खेलकर आ रहे हैं। हैंडसकॉम भी अच्छे फॉर्म में है। टीम डेविड का फॉर्म एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है इनके लिए। तो बिग बैश में तो इनके बल्लेबाज कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, लेकिन बिग बैश से पहले जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं। तो अच्छा खासा दमखम है इनके बल्लेबाजों के पास वापसी करने का, फॉर्म भी है तो वापसी करने की क्षमता रखते हैं, मौका भी है और कर भी सकते हैं। गेंदबाजी की बात की जाए तो इनकी गेंदबाज भी अच्छे फॉर्म में, LS लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आखिरी मुकाबले में 2 विकेट इन्हें मिला था, उससे पहले 1 विकेट, 2 विकेट, लगातार 3 मैचों में अच्छी गेंदबाजी की है। टीम डेविड जो है बल्लेबाजी में फ्लॉप जरूर हो रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी में इन्हें विकेट्स मिल रहे हैं। आखिरी मुकाबले में इन्हें विकेट नहीं मिला था, लेकिन उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट मिला था। 36 रनों की पारी भी खेली थी। बोलैंड की बात की जाए तो ये भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 1 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, ऐसे करके इन्होंने विकेट्स लिए हैं। पेरिस अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही कमाल का प्रदर्शन इनका रहा था पिछले मुकाबले में, और उससे पहले भी इन्हें 3 विकेट मिला था। तो गेंदबाज दोनों टीमों के अच्छे फॉर्म में है, लेकिन बल्लेबाजी में जो है पर्थ स्कॉचर्स की टीम थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा अच्छे फॉर्म में दिख रही है।
बात की जाए यहाँ पर टॉप परफॉर्मर्स की, तो एस्टन टर्नर 175 बनाए हैं होवर्ट हरिकन्स के खिलाफ, जॉस इंग्लिस 143 रन बनाए हैं, मिचेल मार्श 303 रन बनाए हैं, आखिरी मुकाबले में ही शानदार शतक जड़ा था। एस्टन अगर 10 विकेट लिया है, बैंडॉफ 8 विकेट, टायूस 7 विकेट। उधर से होवर्ट की तरफ से 325 रन डार्ची शॉट ने बनाया है, मैथ्यू वेड ने 147 रन बनाया है, बैन मैकडॉर्मंड ने 168, टीम डेविड ने 105 रन बनाया है, पोलैंड को 5 विकेट मिले हैं, नैथन एलिस को 9 विकेट मिले हैं। तो आइए देखते हैं किन किन खिलाड़ियों को हमने अपनी फैंटेसी टीम में पिक किया है। तो दोस्तों फैंटेसी टीम सेलेक्ट करने के लिए हम हमेशा एक तरह रियल 11 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पर आप जो है 2 लाख रुपए जीत सकते हो। साथ ही साथ मेरा रेफरल कोड जो कि आपको आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसे यूज करोगे तो आपके फर्स्ट डिपॉजिट पर 100% का बोनस मिलेगा, साथ ही साथ 20% का एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। तो रियल 11 में साइनअप करते वक्त मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करना। मैथ्यू वेड, बेन मैकडॉर्मंड और जॉस इंग्लिस को एज ए विकेट कीपर लिया है, 3 विकेट कीपर, 3 बल्लेबाज हमने लिए हैं, मुनरो, पैटरसन और जेवेल को हमने अपनी टीम में लिया है, मार्स और शॉर्ट को एज ए ऑलराउंडर, टाई वैंड्रॉफ और एलिस को एज ए बॉलर हमने अपनी टीम में लिया है, मार्स को हमने कैप्टन और वाइस कैप्टन यहाँ पर मुनरो को बनाया है, आप डार्ची शॉर्ट के साथ भी जा सकते हो। बाकी फाइनल अपडेटेड टीम और फाइनल अपडेटेड कैप्टन वाइस कैप्टन मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों अब बात करते हैं कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। तो मेरे एनालिसिस के अनुसार ये जो मुकाबला है पर्थ स्कॉचर्स की टीम जीत सकती है। जी हाँ, अगर आपको भी लगता है कि पर्थ स्कॉचर्स की टीम बैक टू बैक 4 मुकाबले जीत सकती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि इस मैच में होवर्ट की टीम वापसी कर सकती है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले रियल 11 को डाउनलोड कर लेना, मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करना INETV, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही साथ पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। दिस गेम्स इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।